हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, ये हमारे डे टू डे लाइफ में होता रहता है। और बहुत टाइम हम इस चीज़ को लेके दूसरों के ऊपर ब्लेम दे देते हैं, कभी गवर्नमेंट्स के ऊपर ब्लेम देते हैं, कभी कभी जैसे नॉर्मल ऑफिसर्स के ऊपर ब्लेम देते हैं, या दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत टाइम ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये खुद हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे कारण ये सब होता है, लेकिन हम अपने आप को ब्लेम कभी नहीं करते। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये ना कोई गवर्नमेंट सॉल्व कर सकते, ना कोई अदर पर्सन सॉल्व कर सकते, खुद हम सॉल्व करेंगे तभी जाके ये सब इम्प्रूव होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी का कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, वीडियो को कम्प्लीट देखिए और समझिए। प्लीज़, ये सब चीज़ अगर आप चाहें तो हम चेंज कर सकते, इससे हमारा जो देश, जो इंडिया है, वो बहुत हद तक चेंज होगा, बहुत डेवलप हो सकता है। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और साथ में चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है ये आपका है नीट एंड क्लीन, स्वच्छता। तो देखिए फ्रेंड्स, नीट एंड क्लीन और स्वच्छता की अगर हम बात करेंगे तो कुछ साल पहले इंडिया में जो स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग इससे पॉजिटिव है कि हाँ, हमारा जो सिटी है या जो स्टेट है, ये क्लीन रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बुरा लग सकता है, एक बार अगर कहूँगा, किसी भी कंट्री का, किसी भी गवर्नमेंट को अगर नीट एंड क्लीन के लिए कोई अभियान चलाना पड़े, तो ये बहुत शर्म की बात है। आपको हमें शर्म आना चाहिए कि हम अपना देश, अपना जो स्टेट, अपना जो सिटी, इसको हम क्लीन नहीं रख पाते। हम जब फॉरेन घूमने जाते हैं या फॉरेन जब कोई मान लीजिए किसी प्लेस को हम टीवी में, किसी न्यूज़ या किसी मूवी में देखते हैं, हम कहते हैं कि वाह, कितना अच्छा कंट्री है, कितना नीट एंड क्लीन है। लेकिन फ्रेंड्स, जब घूम के हम इंडिया पे आते हैं, हम कहते हैं कि इतनी गंदगी है, पूरा कचरा ही कचरा भरा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ये कचरा, ये नीट, जो गंदगी है, कौन फैलाता है? हम फैलाते हैं। बाहर से कोई आके फैलाता नहीं है, ये आसमान से नहीं गिरता, ये हम लोग ही फैलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझना होगा, आप अपने घर में जो गंदा करके रखते हो, आप गंदगी फैलाते घर में, आप घर पे गंदगी नहीं फैलाते, आपका जो कूड़ा होगा सब कुछ हम एक जगह पे लेते, डस्टबिन में रख के फैलते, डस्टबिन यूज़ करते हम घर पे। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप मोहल्ले में जाएंगे तो मोहल्ले में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे घर के सामने फेंक के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोहल्ले को क्लीन रखेंगे तो देखिए, एक एक मोहल्ला अगर क्लीन रहेगा, इससे क्या होगा कि एक एक सिटी, एक एक विलेज क्लीन होगा। अगर एक एक सिटी, एक एक विलेज क्लीन हो रहा है, इसके मतलब एक एक स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्लीन होगा। अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे क्लीन होता रहेगा, एक एक पर्टिकुलर स्टेट जो इंडिया में वो क्लीन होता रहेगा। अगर एक एक स्टेट अगर क्लीन रहेगा, इसका मतलब जो भारत पूरा कंट्री है वो क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। और टाइम फ्रेंड्स, आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, देखेंगे होटल जैसे मूँगफली खा के छीका हुआ अभी फैल रहे, फर्श पे फैल दिया। फिर मान लीजिए फ्रूट्स खा रहे, मान लीजिए केला खा रहा है या कोई संतरा खा रहा है, उसका जो छिलका है वो ऐसे फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है, हमें नीट एंड क्लीन के ऊपर पूरा ध्यान देना। ये गवर्नमेंट को क्यों कोई मिशन या कोई अभियान चलाना पड़े, ये खुद हमें रेस्पॉन्सिबल होके हमें ये सब के अगेंस्ट काम करना है। हमें अपने घर को जैसे हम क्लीन रखते हैं, नीट, जैसे अपने मोहल्ले को क्लीन रखिए, अपने स्टेट को रखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पूरे कंट्री को इस तरीके से क्लीन रखिए। ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ पे। ये कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट से ये अपना एक्सीडेंट, आप देखते रहते हर रोज कहीं ना कहीं पे कुछ एक्सीडेंट्स होता रहता है। और इसके लिए भी हम लोग नॉर्मल जो कहते हैं आप अपने म्यूनसिपैलिटी या किसी गवर्नमेंट, एमपी, एमएलए या जो नॉर्मल गवर्नमेंट्स होते हैं, उनको हम ब्लेम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक्सीडेंट्स होता है बहुत टाइम, इसका भी जो कारण होता है हम खुद होते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो लोग जमा हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने यहाँ पे डिवाइडर का मांग किया था, लेकिन बहुत डिवाइडर बना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, माइट भी गवर्नमेंट डिवाइडर नहीं बनाया, डिवाइडर नहीं बनाया, इसका मतलब ये भी नहीं कोई बोर्ड भी लगा दिए कि आप 200 की स्पीड पे आप बाइक भगाइए या 200 की स्पीड पे आप कार को भगाइए। स्पीड भी करने का आपको खुद समझना होगा कि आसपास लोग हैं या माइट भी अचानक कोई लोग आ सकते हैं, तो आप एक नॉर्मल स्पीड में चलाइए, आप एरिया समझ के चलाइए। आप अगर एक छोटी सी गली को अगर आप हाईवे समझ के 80 या 100 की स्पीड में चलाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा फ्रेंड्स बहुत टाइम होता है, देखिएगा छोटी छोटी गली में बाइक ये सब बहुत स्पीड में चलाते हैं। इसके लिए भी फ्रेंड्स, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, इसका जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हम होते हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत टाइम ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते, उल्टे साइड से हम चले जाते हैं, ये सब भी रूल्स फ्रेंड्स कौन फॉलो करेगा? ये हम फॉलो करेंगे तभी जाके ये सब चलेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिए इसमें, और एक चीज़ है कि बहुत टाइम हम हेलमेट, अगर बाइक चलाए तो हेलमेट का यूज़ नहीं करते, अगर कार चलाए तो सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते। इसमें फ्रेंड्स, देखिए जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है, माय भी हार्ट या पे लग सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पैक्ट मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है सर पे, हेड पे होता है। फ्रेंड्स, जब कोई बाइक से गिरता है उसके सर पे चोट लगता है, अगर मान लीजिए सडनली किसी ने कार चला रहे, ब्रेक मार दिया, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, जो बैठे होते हैं सामने आगे लोग, वो आगे तरफ झुकते हैं, इससे फ्रेंड्स जो कार का जो डैशबोर्ड होता है इससे जाके सर टकराता है, इम्पैक्ट वहाँ पे भी कार पे भी हेड पे होता है। इससे फ्रेंड्स, आप जब भी बाइक या कार चलाए तो हेलमेट या सीट बेल्ट का यूज़ करिए। फ्रेंड्स, नॉर्मली इंडिया का एक मेंटेलिटी यहाँ पे होता है, जहाँ जहाँ ट्रैफिक रूल्स है कि हेलमेट और
आपका जो सीट बेल्ट लगाना है, या फिर लोग इसलिए लगाते हैं कि पुलिस चालान ना काट ले, लेकिन फ्रेंड्स अपना सेफ्टी के लिए कोई नहीं सोचता। तो फ्रेंड्स इतने एजुकेशन होने का मतलब क्या, अगर आप खुद के सेफ्टी के बारे में सोच नहीं पाते हो इसका कोई मतलब ही बनता है? एजुकेशन का मतलब क्या बनता है? आप अनएजुकेटेड रहने से, हम लोग अगर अनएजुकेटेड रहेंगे तो अभी सही है, कोई बोल नहीं पाएगा कि पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है। एजुकेशन का मतलब ही है कि जैसा हमें नॉर्मल सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। इम्पैक्ट देखिए, अगर कुछ निगेटिव होता है तो आपके घर पर भी इम्पैक्ट निगेटिव आएगा, आपके घर वालों को भी सफ़र करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा सीट बेल्ट और आपका जो हेलमेट है पहन के चलिए। फ्रेंड्स अगर नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पर लो, अगर जैसे नॉर्मल कोई बिग सिटीज मेट्रो से या टूरिस्ट प्लेसेज है जहाँ पे फॉरेनर आते हैं, आप जब भी कोई फॉरेनर देखेंगे, अगर मान लीजिए एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, वो हर कोई फ्रेंड जो फॉरेनर बैठे होंगे उस कार में, वो एक सीट बेल्ट लगाएंगे। ये नहीं कि जो ड्राइवर के साथ वाले सीट है उस पर लगाते हैं। अगर नेक्स्ट अगर मान लीजिए इनोवा की अगर मैं बात करूँ, ड्राइवर के जो साथ में बैठेंगे वो भी लगाएंगे, अगर मिडिल सीट में रो पे बैठ रहे वो भी लगाएंगे, अगर एंड सीट पे भी बैठ रहे वो लोग भी लगाते हैं। तो इनको तो अगर नॉर्मल चालान की मैं बात करूँ, चालान जो कहाँ पर काटा जाता है, नॉर्मल ड्राइवर और जो ड्राइवर के सीट वाला है उस पर बेल्ट लगाने का नियम है। अगर इनमें से कोई नहीं लगाता तब तक चालान काटती है, लेकिन फ्रेंड्स मिडिल और अगर एंड सीट की बात करें इसमें चालान नहीं काटते। तो फिर भी लोग फ्रेंड्स जो फॉरेन से आते हैं वो लोग अपना जो सीट बेल्ट लगाते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि उनको अपने सेफ्टी के बारे में चिंता है, ना कि वो रूल्स फॉलो, क्योंकि रूल्स तो ठीक है लेकिन खुद अगर सेफ्टी के बारे में सोचेंगे तो कोई रूल्स की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर ये भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी ये सॉल्व नहीं कर सकती है, हम ही खुद सॉल्व कर सकते हैं ये भी प्रॉब्लम फ्रेंड्स। और नेक्स्ट और ये लास्ट पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स, हम कहते हैं करप्शन। फ्रेंड्स करप्शन बहुत टाइम देखेंगे, बहुत टाइम मिनिस्टर्स करप्शन करते हैं, बहुत टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्शन करते हैं, और इसके बाद हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम देते हैं, बहुत टाइम जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर कोई पकड़ा जाता है उनके ऊपर ब्लेम देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए करप्शन भी एक चीज़ है, इसमें भी बहुत हद तक हम ही जिम्मेवार है। अगर कहीं पर कुछ काम नहीं हो रहा, हम उसको पैसे दे देते काम कराने के लिए, या बहुत टाइम खुद से हम ऑफर कर देते, ये भी नहीं कि ऑफिशियल मतलब ये कह रहे कि हमें पैसा दीजिए, बहुत टाइम हम खुद से ऑफर कर देते काम नहीं हो रहा, अब एक दो दिन घूम रहे अपने के काम नहीं हो रहा, अपने लगा कि नहीं पैसा देता हूँ ये काम हो जाएगा, या इनिशियल में जाते ही आपने काम दिया आपका ये लो और आप मेरा काम कर दो। फ्रेंड्स करप्शन जो है ये खुद हम कराते हैं, इसके बाद जब ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है तब हम चिल्लाते हैं कि देश में करप्शन है, देश में करप्शन है। तो फ्रेंड्स करप्शन कौन फैलाता है? हम फैलाते हैं। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई ऑफिशियल करप्शन कर रहा है तो ये ऑफिशियल कौन है? एक आम आदमी है, आप और मेरे जैसे एक आम आदमी है। तो अगर आम आदमी करप्शन होगा तो करप्शन को हटाएगा कौन? अगर आप भी करप्शन करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को कौन सिखाएगा करप्शन नहीं करने के लिए? तो फ्रेंड्स ये जो हम करप्शन करते रहते हैं इससे जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है ये पूरे सोसाइटी के ऊपर जाता है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई करप्शन कर रहा है और उस करप्शन में वो मानता है कि हम तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, जब वो पकड़े जाते हैं तो इम्पैक्ट क्या होता है? पूरे फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उनके फैमिली के तो दो मेंबर्स हैं उनको बुरी बुरी नज़र से देखा जाता है, उनको बातें सुनाया जाता है कि उनके अगर मान लीजिए किसी के पापा ने करप्शन किया होगा उनको पकड़ा, आप पूरा होल फैमिली को यहाँ पे पूरा सर्च करके घूमना होता है। तो फ्रेंड्स करप्शन जो होता है ये भी एक आम आदमी ज़्यादातर करता है। मिनिस्टर्स अगर आपके कितने MP ML थोड़े में कितने हो जाएंगे पूरे कंट्री में, बाकी जो लोग हैं वो तो एक आम आदमी है फ्रेंड्स। तो आम आदमी करप्शन करता है, अगर कोई भी पार्टी को आप कहेंगे कि करप्शन हटा दो, कोई भी पार्टी कोई भी या फिर भी कोई पार्टी कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। तो फ्रेंड्स करप्शन भी एक चीज़ है जो एक आम आदमी करता है ज़्यादातर, और ये आम आदमी को ही सॉल्व करना होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स एक पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, इसके जो डिजाइन कौन करेगा? इंजीनियर करेगा, वो भी एक आम आदमी है। इसको जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो भी कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू होता है, वो भी एक आम आदमी है। पुल जब बन रहा होता है कोई भी मिनिस्टर हो, MP ML कोई भी गवर्नमेंट हो, कि कुछ चेयर लेके बैठ के नहीं देख रही होगी, ऑब्जर्व नहीं कर रही होगी, इसके लिए अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर भी रख रहे हैं वो भी एक आम आदमी है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के जब भी कुछ होता है ये एक आम आदमी करता है, आप और मेरे जैसे आम आदमी होते हैं वो लोग ही करते हैं। तो फ्रेंड्स उसको भी अगर ठीक करना हो तो हमारे हाथ में, हम अगर करप्शन करना बंद कर दें तो देश में करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा, बहुत क्या आई थिंक जो 80% या 90% तक भी कम हो सकता है अगर हम चाहेंगे तो। फ्रेंड्स ये कुछ तीन चीज़ें थी जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हर रोज़ हमारे साथ होता है, एक्सीडेंट्स हो गया या करप्शन हो गया या नीट एंड क्लीन जो इश्यूज है, हम हर रोज़ बातें करते हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं पर ये टॉपिक को डिस्कशन होता ही रहता है। अगर ये तीनों चीज़ें हम चाहे तो हम इसको बहुत हद तक इसको ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो आप देखने के बाद आप खुद को चेंज करिए, मैं खुद को चेंज करूँगा, आप भी करिए, आपके जो जितने भी जानकार हैं उनको भी करिए। ये फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबके शेयर करिए, और सबके शेयर करने का उनको बोलिए और आगे भी शेयर करें। सो दैट फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हम अगर अपने आप को चेंज कर लें, अगर हम नीट एंड क्लीन रखना शुरू कर दें, अगर हम ट्रैफिक रूल्स
सब कुछ ये फॉलो करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा हम आगे से करने ना चाहे, हम किसी को पैसे ना दे कुछ काम निकालने के लिए, तो अब तक जितने भी होगा सब करप्शन मिट जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, प्लीज जरूर सबके साथ शेयर करना सबको, ये क्योंकि आप और मैं एक दो लोग ठीक होकर नहीं कर पाएंगे। हर आदमी को, हर इंसान को ठीक होना होगा। एक एक आदमी जब ठीक हो जाएगा तभी जाके ये सब चीज़ें चेंजेस आएगा। इसलिए सबके शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, टेक केयर, बाय।